हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना फ्रिटर्स, जिसे हम केले के पकौड़े बोलते हैं। इसे हम कच्चे केले से बनाएंगे। हम पहले 4 कच्चे केले ले रहे हैं। हमने केले थोड़े मोटे लिए हैं और हम हाथों में तेल लगा लेंगे और इसके ऊपर के पार्ट्स को और नीचे के पार्ट्स को कट कर लेंगे और फिर हम बीच में एक हल्का सा मार्क बनाएंगे। हमें मार्क अंदर तक नहीं बनाना है, बस ऊपर छिलकों तक। हम लगभग 3 मार्क बनाएंगे और फिर इसे हाथों की हेल्प से छील लेंगे। आप चाहें तो पीलर के हेल्प से भी छील सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। ऐसे ही हम सारा छील लेंगे। अब हमने सारा छील लिया, अब हम इसे कट करेंगे। अब हम नाइफ की हेल्प से लंबे लंबे पीसेस में से कट करेंगे। आप चाहें तो स्लाइसर से भी कट कर सकते हैं, पर नाइफ से कट करने से ये थोड़ा मोटा कट होगा। हमें ऐसा ही कट करना है, थोड़ा मोटा। अब हमने सारा कट कर लिया, इसे आप पानी में भी रख सकते हैं। अब हम एक बोल में बेसन लेंगे। बेसन डालने के बाद हम रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर डालेंगे और इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे। हमें इसका घोल गाढ़ा ही बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है। हम इसे फॉर्क की हेल्प से मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो विस्कर की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप स्पून की हेल्प से भी मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए गाढ़ा घोल बनाएंगे। इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। 10-20 सेकेंड मिक्स करने के बाद इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी। अब हम इसे लगातार 1 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम बेकिंग सोडा डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे बस 10-20 सेकेंड तक ही मिक्स करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मिक्स करना है और तुरंत ही हम जो केले की स्लाइसेस कट किए हैं उसे डालेंगे। डालने के बाद इसे पूरा रैप करते हुए निकालेंगे। हम इसे फॉर्क की हेल्प से रैप कर रहे हैं। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी बहुत ही आसानी से ये रैप हो जाएगा। अब ये बहुत ही अच्छे तरह से रैप हो चुका। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम ये फ्रिटर्स डालेंगे। एक एक करके हम लगभग 2 फ्रिटर्स एक साथ फ्राई कर सकते हैं। अब इसे हम पलटेंगे। हम इसे तुरंत नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर पकने के बाद, लगभग 20-25 सेकेंड पकने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे पलट लेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब हमें लगे कि ये क्रिस्पी लगने लगा है, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अब पकौड़े बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बने हैं। ऐसे ही हम बाकी बचे पकौड़े को भी तल लेंगे। पकौड़े तलते समय हम फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। आप इसे किसी भी चटनी या सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारे पकौड़े बनकर तैयार है। अब हम आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं अंदर से ये कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए हमारे बनाना फ्रिटर्स बनकर तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।